डालिए सोशल नमक लगा के ना जी। अच्छा तैयार हो गया, तैयार हो जाता है। इसको डाल दे एक जार में, हम इसको भर देंगे। ठीक है बेटा, इसको मत डालना। पूरी दीदी आप मसाला मिलाया जा रहा है। ये मेथी की मिर्च हो गई और ये हल्दी, आम का अचार तैयार किया जा सकता है। ये जो है ना पहले एक तो धोनी हुई है, उसमें गंदगी जमा घटाना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं देना, इनका अलग करना पड़ता है। तो गंदगी होना चाहिए, नहीं तो खराबी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊनी बेला चैनल में। ठीक है, आज आपको इस कुमाऊनी बेला चैनल में आपको बताएंगे कुमाऊनी तरीके से कैसे आपका आम का अचार तैयार किया जा सकता है, जो कि बाजार से काफ़ी बेहतर और बढ़िया होगा बनाने में और खाने में भी। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कैसे आपका आम का अचार तैयार किया जा सकता है। ये जो है ना पहले एक तो धोनी हुई है, उसमें गंदगी जमा होती है, नल में साफ कर दिया, ये पानी और धोंगी इसको। ये देखो ऐसे धुल जाता है साफ करके। फिर इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच बड़े चम्मच नमक, पर इसको पानी डालूंगी। अरे देखो पहले ये काम कर दूंगी, इसको साफ कर दिया, दाग हाथ साफ कर दी, तो भी होता है इसमें डेंगू भी होती है, तो साफ कर दिया, एक बार और धुल गई। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका आम जब लाएंगे बाजार से कटा के, उसको अच्छे से पहले पानी से धोना होता है, दाग हटाना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं देना, इनको अलग करना पड़ता है। धोने से पहले याद रखिए, पहले इसका जो बीज होता है, बीज को भी निकाल देना होता है। ठीक है, बीज को अच्छे से निकाल देना, गंदगी सब फेंकनी पड़ती है। ये देखो ये आपका जो निकल रहा है, इसको आप वैसे बीज को है नहीं, इसको हम फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते गंदा निकल गया पानी से, इतनी गंदगी निकल गई। ऐसे धोके फिर इसमें डालेंगे इसको, हाँ इसमें और डालेंगे, और इसे दोबारा धुलेंगे। ये ठीक है, धोके फिर इसमें उसको बहुत अच्छे से धोएंगे आपका आम को। अच्छा खराबी होती है, देखिए वैसे भी आपका क्या कहते हैं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो बाहर से लाई थी, अच्छे धोनी जरूरी थी। हाँ ये यहाँ बहुत अच्छे से आमों को धोया जा रहा है, अच्छे देखिए। कुछ आम आपके अलग कर, तो यहाँ पे आम धुल चुके हैं अच्छे से, ये आम धुल के तैयार हैं। अब इसमें आपका नमक और हल्दी, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक। अच्छा 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक मिलाया जाएगा।
आज हम कर रहे हैं आम का अचार बनाने की तैयारी। सबसे पहले हमने आम को साफ करके धो लिया है, फिर इसको हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक और इसको बाहर सुखाने के लिए रख देंगे। हल्दी और नमक डाल रहे हैं हम इसमें, फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी नमक। पहले आमों को अच्छे से धो लिया है, फिर उसके बाद ये 3 किलो के करीब आम है और फिर इसमें हम क्या कर देंगे हल्दी और नमक लगा के बाहर सुखाने से रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो आम के अचार में मसाले पड़ते हैं मेन, वो डाल देंगे, जैसे सौंफ, लौंजी, हल्दी, राई और अजवाइन हो गया, उसको मिक्स करके थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ी सी हींग डाल के मिक्स करके एक डब्बे में, जार में, साफ सुथरे जार में पोंछ के रख देंगे। आपका बढ़िया सा आम का अचार तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें हल्दी नमक लगा दिया है, अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है। अब इसको बाहर साफ सुथरे कपड़े में डाल देंगे, 2-3 घंटों के लिए इन आमों को सुखा लेंगे। सुखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे, पानी ना रहे अच्छे से, किसी भी अचार के लिए ऐसा जगह जरूरी होता है कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और नमक क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, हल्दी भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसमें नमक जो होता है पानी छोड़ देता है, हल्दी जो होता है, हल्दी में जो होती है हल्दी में डाकर जाएगी वो पानी छोड़ देता है। हाँ, इससे आपका अचार क्या होगा, लंबे टाइम तक के लिए सुरक्षित रहेगा नमक लगाने से, हल्दी लगाने से। बढ़िया 4 घंटे इसको सुखाऊंगी, उसके बाद इसको फिर शाम को मसाला मिला के सब मसाला, कलौंजी, जीरा और क्या कहते हैं नाम, सौंफ हो गया, मेथी हो गई, हींग हो गया, अजवाइन हो गया, सब मिक्स करके फर्स्ट क्लास मिक्स करके थोड़ी सी मिर्ची डाल के दरदरा करूंगी और मेथी, जीरा और जाके और ये सब कुछ मसाला हींग भी पड़ेगा। फिर उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और फिर एक साफ सुथरे डब्बे में भर के रख देंगे। हमारा बढ़िया सा अचार तैयार हो जाएगा और 2-3 दिन उसको हम अच्छे से धूप लगा लेंगे। धूप लगाने से हमारा अचार अच्छे से गल जाता है। तो इसको ऐसा करके फिर अब मैं शाम को मिक्स करके इसको रख दूंगी, पानी सूख जाएगा इसका, तब जाके इसको पूरे दिन फिर डिब्बे में भर के रख दूंगी। फिर 1-2 दिन धूप में रखकर फिर तेल डालूंगी, तेल गर्म करके ठंडा करा, तब जाके तेल इसमें डलेगा। बढ़िया से बढ़िया अचार बनेगा, इसे बनाए और खाए फैमिली। यहाँ पे चांस हुआ जा रहा आपका, तो ये तो थी पहली विधि आपकी चार बनाने की। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें आम के अचार की सारी सामग्री को एक बाउल में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये है मेथी दाना, ये है सौंफ, ये कलौंजी है, ये है अजवाइन और ये जीरा पाउडर, ये है तुम्हारा राय, 2 चम्मच पीली राय, 2 चम्मच भूरी राय, ये सब मिक्स हो गया। ठीक है, हम इसको थोड़ी में हींग भी डाल देता थोड़ा सा, फिर बाद में हम इस टब में क्या करेंगे, आम को डालेंगे और इस मसाले को मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा तेल, अभी हमने तेल चूल्हे में गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ बनाने की तैयारी चल रही है अचार की, आम का अचार बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए आपका आम का अचार, तो देखिए भाई यहाँ पे आम सूख चुके हैं, आम है सूख चुके हैं आपका, ठीक है। आम देखो, मैंने ये दोपहर में अभी दिखाया था तुमको, मिक्स मसाला सभी, कलौंजी, मेथी, सौंफ और सब मिक्स मसाला भी मैंने दिखाया था तुम लोगों को, अजवाइन, हींग और सब, कलौंजी, मेथी, सौंफ
और क्या के सब मसाला मैंने मिक्स बताया था शाम दोपहर में, अब इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही है पाउडर के पास। और जाके यह है तुम्हारी, ये तीखी मिर्च है, चटपटी चाहिए मसाला, ये तीखी मिर्च हो गई। और ये हल्दी, हल्दी हो जाएगी। और ये नमक, अब है ये तेल, ये सरसों का तेल है, गरम करके ये ठंडा कर रखा, इसको डाल दी, मसाला मिलाया जा रहा है, मसाला हो गया तैयार, हो गया मसाला, कितना बढ़िया मसाला बना रखा, घर का मसाला ही। इसमें सब्जी बनी हुई, डाला जा रहा आम, सुबह के पोछ भी रखा साफ करके। पूरी विधि आपको बता दी, ये अब यह मसाला मिलाया जा रहा है, पूरी अच्छी तरह विधि बता रखी है। बन गया आजाद, जो हमने अचार, जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें हमने तेल डाला है, अब इसमें सुखाए हुए आम के टुकड़े जो हमने हल्दी में लगा के करे थे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये जैसे हम मिक्स कर रहे हैं। और इसमें है मसाला मिक्स पड़ा है, और नहीं तो ये सिर्फ एक कलौंजी नहीं दरदरा होती है, और सब मसाला दरदरा बना रखा है, मेथी और सौंफ, राई, दो किस्म की राई पड़ी है पीली, और पूरी, दोनों किस्म की राई पड़ी है, मसाला पड़े है सब इसमें, ये मिक्स हो गया, हींग पड़ा है, कलौंजी, सौंफ सब पड़ा मसाला, जीरे का पाउडर, हल्दी, चना, सब हींग, तेल उबाल के हमने ठंडा कर लिया, फिर जाता है और मसाला दरदरा कर दिया, फिर हम अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं, और फिर से साफ सुथरे एक जार में हम इसको भर देंगे और दो तीन दिन धूप लगा देंगे, और हमारा अचार तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो जाता है। इसको डालो सुबह में, कल सुबह डालेंगे, 9-10 मिनट डालेंगे इसको, सुबह लगा दे लेंगे।
तो आप लोगों को ये अचार कैसा लगा बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। खुद भी बनाइए और परिवार वालों को भी खिलाइए, और बाकी जो आपके सगे संबंधी हैं उनको भी बना के बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहते हैं केवल अपने तक ही रखना है, रेसिपी आपको खुद भी बनानी है और अपने परिवार वालों से भी शेयर करनी है, ठीक है। और बताइएगा इसका टेस्ट कैसा लगा आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको घरेलू तरीके से समझाया गया है। इसमें कोई भी ऐसा एडिटिव्स यूज़ नहीं किए हैं जो कि आपका सेहत के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो आप खुद भी बनाइए और परिवार वालों को बना के अपना घर का स्वास्थ्य सही रहता है, घर का चीज़ अच्छी रहती है, साफ बिल्कुल।